नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन्होंने 3 साल पढ़ी है। ये इम्पोर्टेंट है कि 3 साल अगर पढ़ी है तो इनमें से ही इनको चूज करना चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है बीएड में, ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल, क्योंकि दोनों ही स्कूल सब्जेक्ट हैं, आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं, आपका सीबीएसई के साथ रिलेटेड स्कूल में आपने जॉब करनी है, केंद्रीय विद्यालय में जॉब करनी है या पंजाब स्कूल या किसी और स्टेट में जॉब करनी है, हिस्ट्री आपके पास है, दिस इज बेस्ट। दैट इज वाई आपको एसएसटी 100% लेना चाहिए और साथ में लैंग्वेज लेनी चाहिए पंजाबी या इंग्लिश। इसके बारे में सुजेशन ये है क्योंकि ये जनरल पंजाबी है, जनरल इंग्लिश है, जब गवर्नमेंट जॉब आएगी तो आपको इसका इलेक्टिव पंजाबी का, जहां अगर इंग्लिश रखते हैं तो इलेक्टिव इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि बीएड कंप्लीट करने के इमीडिएट बाद आप एलिजिबल हो दो एरियाज में। फर्स्ट एरिया आपका एसएसटी हो गया, तो 3 साल आपने पढ़े हुए हैं, दैट इज वाई आपको एसएसटी के साथ फिजिकल एजुकेशन लेनी चाहिए। और हम ये देख लें कि फिजिकल एजुकेशन एसएसटी के साथ मिलती है। यस, ये 9th कॉम्बिनेशन कौन सा है फिजिकल, ये 10th वाला कॉम्बिनेशन एसएसटी फिजिकल एजुकेशन का है। इट मींस आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी फिजिकल एजुकेशन बनता है। हाँ, आपको पहले ये देख लेना चाहिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन प्रेफर करना चाहिए, कॉलेज नहीं प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस कॉम्बिनेशन से आप करते हो तो आप बीएड करने के इमीडिएट बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 एरियाज में एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप कॉलेज को प्रेफर करके कॉम्बिनेशन कोई और लेते हो एसएसटी के साथ पंजाबी या एसएसटी के साथ इंग्लिश, उसके लिए बाद में आपको एडिशनल तो करना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ 1 एरिया के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। दैट इज ऑल लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।